जुबानें। अरे जालिमो, मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो। प्यास बुझ सकती है अकरम खान, मगर पानी से नहीं, शराब से। शराब मेरे मजहब में हराम है शैतान सिंह, हराम है। लेकिन मेरे लिए तेरा खून पीना हलाल है, क्योंकि तूने मेरा हुक्म नहीं माना। अब भी कमिश्नर को खत लिख दे, मेरे आदमियों को छोड़ दे, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मैं अपनी जान बचाने के लिए उन मासूम बच्चों से गद्दारी नहीं कर सकता जिनको तूने अनाथ कर दिया है, उन दुखी सुहागनों की आह को बेकार नहीं कर सकता जिनको तूने विधवा कर दिया है, मैं उन बहनों की पुकार को धोखा नहीं दे सकता जिनको तूने बेसहारा कर दिया है। शैतान सिंह, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मगर तुझे तुझे तेरे जुल्मों की और गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। खामोश अकरम खान। अब भी होश में आ जा और मेरी बात मान ले। तू शायद नहीं जानता कि यहां का जर्रा जर्रा मेरे खौफ और दहशत से कांपता है। जानवर भी मेरा नाम सुनकर छिप जाते हैं। तुझे डर नहीं लगता? जो इंसान खुदा से डरता है, दुनिया की हर चीज उससे डरती है। तूने अपनी मौत के डर से मुझे कैद कर रखा है शैतान सिंह। कर आजाद और फिर देख तमाशा, देख मैं तुझे कैसे कानून के फंदे पे लटकाता हूं। कानून के कुत्ते, अब भी मेरी बात मान ले, वरना ये पुलिस की वर्दी तेरा कफन बन जाएगी। अरे ये कफन तो खुश नसीबों को मिलता है शैतान सिंह, खुश नसीबों को मिलता है। मैं तुझे तड़पा तड़पा कर प्यासा मरूंगा। मैं करबला के शहीदों की प्यास याद करके मरूंगा। जन्नत, जन्नत में मेरा मुकाम होगा। आबे कौसर से मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। देखता हूं तेरा ये हौसला कब तक तेरा साथ देता है। अरे मेरा ये हौसला हजरत इमाम हुसैन का है, हजरत अब्बास का है। जब भी जुल्म के आगे इंसानियत के कदम तक मगाए हैं, तब हजरत इमाम हुसैन, हजरत अब्बास अली और शहीदाने करबला की मिसाल ने उन्हें सहारा दिया है। मुझे भी अल्लाह के हुक्म से उन्हीं का सहारा है शैतान सिंह। इस खुदा के बंदे और कानून के गुलाम को अंधा कर दो और इसे जिंदा रखो, ताकि इसकी मदद से हम अपने साथियों को कानून के हाथों से छुड़वा सकें। सरदार, सरदार, अभी अभी मुझे खबर मिली है कि ठाकुर एसपी सिंह हनुमान जी के मंदिर को टेकड़ी के रास्ते से होकर गुजरने वाला है। बहुत अच्छी खबर दी है तुमने, आज एसपी सिंह नहीं बचेगा।
अरे कृपी, तुम्हारी ये हालत? कमीने, तेरी भी यही हालत होगी कुत्ते। पापी का नाश करके हम जीवन में पुण्य कमाएंगे। हमारे इलाके के दो जागीदारों के सर उनके धड़ से अलग कर दिए गए और आपकी पुलिस कुछ ना कर सकी? जी ठाकुर साहब। क्या जी ठाकुर साहब, क्या फायदा हुआ मुझे बड़े बड़े ऑफिसरों की खुशामद करने का या पुलिस स्टेशन खुलवाने का? ठाकुर साहब, इस बात का पूरा यकीन है पुलिस को, इसमें डाकू रूपा का ही हाथ है। ये हरकत डाकू रूपा की है, ये सब जानते हुए भी अभी तक आपकी घटिया पुलिस सोई हुई है? पुलिस अपना फर्ज जानती है ठाकुर साहब। ये देखिए, पुलिस ने डाकू रूपा का पोस्टर छपवा कर 20,000 रुपए के इनाम भी घोषित कर दिया है। जैसे मेरे नाप के हैं। ए लड़की। जी सरकार। तुमने आज किसी डाकू जाते हुए देखा है? उसने नीला शर्ट और नीला पैंट पहना हुआ है। उसके हाथ में बंदूक भी थी। हाँ हाँ हाँ। उस तरफ गई है सरकार। अच्छा चलो 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 चलो। नादान हरे टांगे वाले, डाकू रूपा से पूछता है कि कौन है वो? तुम मुझसे क्या चाहती हो? इंतकाम। किसका? बंजारन बिजली के खून का। अरे तो ले लो ना। क्या मर गई वो? मरी नहीं, मार दी गई है, और उसकी मौत के जिम्मेदार हो तुम। मैं? तुमने पहले उसे अपनी नजरों से घायल किया, उसका दिल लूटा, रातों की नींद लूटी, दिन का चैन लूटा। ये सब लूट का माल वापस करो ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। वैसे उसकी लाश कहां पड़ी है? तुम्हारे सामने खड़ी है। दुनिया के लिए जिंदा है मगर तुम पे मर चुकी है। आहिस्ता बोलो, अगर घोड़े ने सुन लिया तो वो भी हंस देगा। चुप है। जाओ जाओ, जल्दी से जाकर ये कपड़े बदल लो। अगर पुलिस वालों ने देख लिया तो डाकू समझ के धुशुम धुशुम गोली मार, समझे? अरे अरे विजय, मेरी बात तो सुनो। अरे अरे जाता कहाँ है? बात सुनने के लायक हो? अरे ठीक है, जाता है तो चला जा, लेकिन याद रखना, एक दिन ढूंढता हुआ खुद मेरे घर आएगा।